न्यूबेला सुन ले सही ठिकाना बांधी कहता विश्वास ते मेरा गोपी चंद से नाम गया मैं थारे रणवास ते मैं पद्म सेन का जाया सुबांधी जरा देखो ख्यास ते उस कृष्णावती ने भेज जो मिले मनोहर दास ते ये शुद्ध सुरीली भाषा में बांधी मेरा गाना हो गया हो बाबा मैं देखा भगवान भेस मेरा शरमाना हो बांधी इतनी बात सुनते ही मोतियों का थाल हाथ से छूट जाता है और कांपने लग जाती है महाराज आप गोपी चंद हैं ये क्या किया आपने सन्यासी बन गए फकीर बन गए आपके कानों में मुद्रा डली हुई है कांपने लग जाती है चली जाती है महल में चढ़ जाती है रोती चीखती चिल्लाती महल में गई रानी कृष्णावती कह रही थी बांधी थोड़ी देर पहले तो भिक्षा डालने के लिए गई थी साधु को दरवाजे पर हंसती खिलती नाचती गाती भी गई थी और भिक्षा डाल करके वापस आई रोती चीखती चिल्लाती क्यों आई है साधु नहीं मिले वहां महारानी मौजूद खड़ा है साधु ही है या कोई प्रेत भूत है साधु है फिर भिक्षा नहीं ली उसने नहीं महाराज इनकार नहीं किया गाड़ी क्रॉस की तेरे से कुछ नहीं हुआ कोई छेड़ बदमाशी की नहीं फिर रोती चीखती चिल्लाई क्यों आई है क्या हो गया तुझे मैंने बोली महारानी क्या बताऊं बताने की बात ही नहीं रही क्या हो गया हरानी क्या कहूं कहीं ना जा रही ना निकले मुंह से बोल अरे डर धारा नगरी का पालड़ा रानी हो गया डम्मा ढोल रानी कृष्णावती तेरी धारा नगरी का पलड़ा डामा ढोल हो चुका है क्या कह रही है बांधी तू समझ में नहीं है मेरी क्या कहना चाहती है न्यू बोली सुन फेरी जम साच म साची ए बता दूंगी तो जे साच म साची ए बता दूंगी तो मेरे पड़ेगी कोरड़ा मार हेरी मेरे पड़ेगी कोरड़ा मार क्यों हो गया न्यू बोली वो अलखी जगा मणिया तेरा गोपी चंद भरता आलर के साच में साच बता तू मेरे पड़े कोरड़ा मार पड़े कोरड़ा महारानी जब मैं सांच से मैं सांच बता दूंगी तो मेरे पड़ेगी कोरोना की मार क्यों नहीं बोली वो अलग जगह उन्हें तेरा गोपी चंद भरता महारानी महाराज गोपी चंद है वो अलग जगाने वाले सन्यासी वो साधु वो फकीर भिखारी जो भी आप बता रही हैं खुद महाराज गोपी चंद हैं न्यू बोले बिल्कुल शांत बिल्कुल शांत स्वभाव ही बनया गोपी चंद से गोपी चंद से हेरी बिल्कुल शांत स्वभाव बनया गोपी चंद से गोपी चंद से और रीका नाम दर्शन पड़ा यो मोटा फंद से
मोटा फनसे मेरे काना में दर्शन पड़ा मोटा फनसे मोटा फनसे महारानी उसके कानों में मुद्राएं पड़ी हुई हैं कमंडल कुंडल पड़े हैं कानों में घर आने जोगा भी नहीं रहा वो तो दरवाजे पर पाबंद से दरवाजे पर पाबंद से रट रहा से सर्जन हार रट रहा से सर्जन हार अलखे जगावे तेरा गोपी करते भरतार अलखे जगावे तेरा गोपी करते भरतार शांत स्वभाव बना गोपी चंद से पर काना में दर्शन पड़ा यो मोटा फंस है दरवाजे पर पावन से रटा से सर्जन हार रानी वो अलग जगावनिया तेरा गोपी चंद भरत रानी ने बोली चांडालनी बेहया बेहुदी ये हुई बुरबा लगी अरे ये क्या कर रहा है कोई गाड़ी जा रही है हराम जादी चांडालनी बेहुदी निर्लज नालायक बेसुरी कहीं की मेरे महाराज गोपी चंद को सन्यासी बता रही है साधु बता रही है भिखारी बता रही है उसको हाँ महारानी नी बोली मेरी बंदी था मत मारा ये वही बात ये बात तू मेरी बंदी हो के मने बहकावे से बहकावे से मेरी बंदी हो के न तू बहकावे से और गोपी चंद मेरे गोपी चंद साचन ने संत बतावे से मेरे गोपी चंद साचन ने संत बतावे से मेरे ऐसी मन में आवे से मेरे ऐसी मन में आवे से मैं तेरे थप्पड़ मारूं छा थप्पड़ मारूं छा अलखे जगावे तेरा एक गोपी चंद भरता ओ अलखे जगावे तेरा एक गोपी चंद भरता तेरे बिन साजन जिया न लागे हमार हो अलखे जगावे तेरा एक गोपी चंद भरता महारानी क्या करियो न्यू बोली मेरी बांधी हो क्या मने बहकावे से मेरे गोपी चंद साजन ने क्यों संत बतावे से मेरे ऐसी मन में आवे से मैं तेरे थप्पड़ मारूं चार न्यू बोली यो तो पहले बता दी थी मैंने मैं साची घेरी कोरड़ा की मार पड़ी फिर वो बिल्कुल शांत वे बिल्कुल थाप मारा उधर मैं तुम्हें बोलो मेरी बाबा सुन सुधर जा बाज आ जा ये बात है ओए मेरी वो दरवाजे पर खड़ा हुआ लिए भगवान देख लिए भगवान देख री ए दरवाजे पर पड़ा हुआ ये भगवान बेसम है भगवान बेसम है लिए भगवान देख
और हाथ सुमरणी माला वरख ईश्वर टेक मालिक टेक, हाथ सुमरणी माला वरख ईश्वर टेक मालिक टेक, तू अपनी आँखियां जाके देख ले, महारानी दरवाजे फड़करा है तेरे महल के गेट पर, दो चार दस बीस पचास कोस नहीं वो जो तू चलती चलती थक जाएगी, अपनी आँखियां जाके देख ले जना मेरा इतबार, इतने जना मेरा इतबार, जगावे तेरा गोपी चंद भरतान। महारानी देख ले दरवाजे पर जाकर देख, कोई ज्यादा दूर नहीं है वो, रानी सुन बांदी की बात फेर, रानी हाली ओ, सुन बांदी की बात फेर, रानी हाली और भिक्षा गालन खातर हाथ थाली ठाली, थाली ठाली अरे भिक्षा खातर हाथ थाली ठाली, थाली ठाली नुके मनोहर दास रानी चाली, मनोहर दास रानी चाली, उठी पाए लकी जाने का अलख दगावे तेरा एक पीत ने भरता, अलख दगावे तेरा गोपी तंद भरता, सच बता तू मेरे पड़े कोरड़े क्या, मेरे पड़े कोरड़ा मार, अलख जगावे तेरा एक गोपी चंद भरता, एक तो अलग था मार बसी को यह नहीं सीखी थी, बांधी मोतियों का थाल सजाती है, जाती है दरवाजे पर देखती है, विश्वास आ गया था बांदी के बताते ही कि महाराज गोपी चंद सन्यासी बन गए, क्यों मेरा सपना कभी झूठा नहीं हो सकता, दरवाजे पर देखा जा करके महाराज गोपी चंद उसी वेश में खड़े थे जो सपने में दिखाई दिया था, हाथ में कमंडल चिमटा जोड़ी, बदन पर बबूती लपेटे हुए, रानी देखते नहीं बोली महाराज कौन सी कमी आ गई आज आपके घर में, आप तो न्यू कह रहे थे मैं साधु नहीं बनूंगा मैं राजा हूं, आज पर राजपाट कहाँ गया आपका, क्यों बन गया सन्यासी, मैंने कहा था मेरा सपना सच्चा होगा झूठ नहीं हो सकता, होगा सपना पूरा, बोले माता कृष्णावती हमें भिक्षा डालो हम गुरु शरण में जाना है, कृष्णावती न्यू बोली महाराज गुरु शरण में जाना है, भरता
कीर्तन पता के सोची भर तार तने अरे क्यों कर दी डूबा डेरी है क्यों कर दी डूबा डेरी और महाराज के बोला ने बोला रे किसने कहो भर तारे बावली तम माला गोसो मेरी सोची भर तारे तने क्यों कर दी डूबा डेरी तेरे किसने कहो भर तारे बावली ये माला गोसो तने क्यों कर दी डूबा डेरी रानी बोली महाराज ने बोले रे किसने कहो भरतार बावली तुम मां लागो सो मेरी मां हां रख के पीली नी भांग पिया साफ मत ना मारा तू घूस मारा के ना साफ रखे दियो तूने मैं तेरे बाजा के बगैर सिर में दूंगा बाजा को नुकसान हो मर जाओ तू मारो मना अरे के पीली नी भांग पिया के चढ़ गया नशा गात में के तेरे चढ़ गया नशा गात में मरे राम नाम का नशा चढ़ा गुरु जोड़ी दई हाथ में राम नाम का नशा चढ़ा जोड़ी गई हाथ में गुरु ने जोड़ी दे दी हाँ वो कितने से थारा गुरु देव चलना थरे साथ में न बोले मारा कोई ठोड़ ठिकाना ना कोई डाणी सहरे देहात में मेरा कोई ठोड़ ठिकाना ना कोई डाणी सहरे देहात में मन रे दिखे फर्क बात में पिया तन कर दी रात अंधेरी चानना हो जागा रट हरन श्याम सवेरी अरे क्यों कर दी डूबा डेरी माला गो सो मेरी माला गो सो मेरी माला गो सो महाराज के पीली नी भांग पिया के चढ़ गया नशा गात में मारे राम नाम का नशा चढ़ा जो गुरु जोड़ी दी हाथ में कितरे से वो थारा गुरुदेव जो हम चला थारे साथ में नु बोलो मारा कोई ठो ठिकाना ना कोई डाणी सहर दे हाथ में मैंने दिखे फर्क बात में पिया तने कर दी रात अंधेरी तेरे आप चानना हो जागा रटने श्याम सब ऐ कुकरन पराने घेरे होना दिशा में एक दोने सिर में बैठा के ना वो गया महाराज सुनो थरी दारा नगरी उजड़ हो जा तेरे उजड़ हो जा डेरा उजड़ा ढूंढे बसा दे रानी फिर वो कर दे फेरे बसेरा तेरी वो उजड़ा ढूंढे बसा दे रानी कर दे फेरे बसेरा क्या सुना महल खान में आवे सीना लागे मेरा कर सतगुरु की सेवा तेरा सब हो जा दूर अंधेरा कर सतगुरु की सेवा तेरा हो जा दूर अंधेरा मन दुख दिखे सो फेरा पिया जी मन दुख दिखे सो फेरा पिया तने अच्छी आफत घेरी तेरी सारी आफत कट जाएंगी रट हर शाम सवेरी
सोची भरतार तने क्यों कर दी डूबा डेरी किसने कहो भरतार बावड़ी माला घोसो महाराज थरी धारा नगरी उजड़ हो जा डेरा रानी उजड़ा ढूंढ बसा दे मालिक कर दे फेर बसेरा सुना महल खाण ने आवे पिया जी ना लागे मेरा अरे कर सतगुरु की सेवा तेरा सब हो जा दूर अंधेरा मने दुख दिखे सो फेरा पिया तने आछी आफत गेरी तेरी सारी आफत कट जाएंगी अरे टर ने शाम सवेरी। अच्छा हो महाराज ये 12 कन्या छोड़ के चाल पड़ा कंवारी इनका क्या होगा देख ली थारी रचना ने थन थूके दुनिया सारी मेरा कोई दोष नहीं मने जोग दिया महतारी इसमें मेरा कोई दोष नहीं मने जोग दिया महतारी इसमें मेरा कोई दोष नहीं मने जोग दिया महतारी वो डूब गई माता थारी पिया मारी भारी बंधी बखेरी भारी बंधी बखेरी अरे जून लगा दे कृष्णावती तू मत ना लावे देरी परती डुबा डेरी तुम्हें कहो भरतार बावली माला घोसो मेरी माला घोसो मेरी माला घोसो मेरी किसने कहो भरतार बावली माला घोसो मेरी कित चाला छोड़ कंवारी हे रानी सबका राम रुखाड़ा से जिसने रचना रस दी भाई देख ली था रचना ने थाने थुके की दुनिया सारी नो बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं मैंने जोग दिया महतारी मेरी माता ने जोग दिलाया है हैं वो डूब गई माता थारी मारी भारी बंदी बखेरी रजून लगा दे कृष्णावती तुम उतना लावे देरी। चौथे नंबर में क्या बोला नो बोली महाराज आप साधु क्यों बन गए इतने बड़े घराने के हो राज घराने के हो यो राजा साई वस्त्र आपके बदन पर सोने लगे थे ये भगवान बड़ा नहीं लगे तुला रास थरा पीका लागे यो तन पे भगवान बाणा बिना भाग इस चोले का रैणी हो जग में मुश्किल पाना मेरा बिना भाग चोले का दुनिया में मुश्किल पाना क्यों बाबा जी बने पिया थर ऊंचा बड़ा घराना संजी लाल हो गया मगन इस चोले का गुण गाना मेरा त्रंजी लाल हो गया मगन इस चोले का गुण गाना घटाना महाराज ठीक है अब मैं आपको रोकूंगी नहीं भिक्षा लो और जाओ नाचा थारा धर्म घटाना ज
चित लगने लागरी तेरी, अरे लेके भिक्षा चाले पड़ा जब सागी खुशी गणेरी, ये सोती भरत तारत ने कर दी डूबा तेरी, ये किसने कहो भरत तार बावली तमाला दो सो मेरी, ये माला दो सो मेरी री तमे माला दो सो मेरी, किसने कहो भरत तार बावली माला दो सो मेरी। छोड़ के चला गया गोपी सिंह भिक्षा लेके रवाना हो जाता है और रानी महल में वापस चल जाती है, महल में तोबा तलीमा जाती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? माता मैनावती ने जो क्यों दिलाया, माता मैनावती ने सुना महल में कोई साधु जमात में से भिक्षा लेने के लिए आया है तो मैं चलूं और पूछूं मेरे गोपी सिंह के हाल चाल पूछूं। माँ की ममता होती है, छोड़ आई बाबा जी के पास में, लेकिन आत्मा तो बहुत दुखी थी, अमर करवाने की गर्ज से छोड़ करके आ गई। महल में आई तो पता चला गोपी सिंह खुद ही आया था साधु के बेस में भिक्षा लेने के लिए। 12 कन्या 16 रानियों में कोलाल मच रहा था और माता मैनावती बड़ी खुशी हो रही थी, होगा मेरा काम पूरा, अब मेरा बेटा कभी भी नहीं मरेगा, अमर हो गया। गोपी चंद को मैं अभी ले आऊंगी, वो मेरा बेटा है, कोई भोपाल को मारा सोर थोड़ी से नट जाएगा, मैं जाऊंगी गोपी चंद को लेकर के आती हूँ। अभी चली गई माता मैनावती, गोपी चंद से कुछ देर बाद में ही पहुंच जाती है, जा करके जहाँ टी स्टॉल वाला फिर आ गया है, थारी कैंटीन सारी रात की चाल रही थी भाई। अरे मैं तो कौन पीऊँ, मेरे लिए तो मन चलाओ, ये तो सारा कार्ड तो फूक दोगे ना, सारो बराबर के चाय पी पी रहे सू तोड़ा तो बंदी हो ना, मैं तो पीऊँ। जहाँ पीर जालंधर नाथ जी बैठे थे, जा करके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, महाराज मैं आपके पास बहुत जरूरी काम आई हूँ। आओ माता मैनावती, एक दिन पहले भी आई थी तू जरूरी काम, अपने इकलौते बेटे को जोगी बना के चली गई, सन्यासी बना के चली गई, आज खुद जोगी बनने आई है क्या? नहीं महाराज। तो क्या काम आई हो? महाराज मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। हैं, वापस दे दे? पहले तो बोली जोगी बनाओ सन्यासी बनाओ, इसको अपने रंग में रंग लो और अब वापस दे दो। क्या तमाशा लगा रहा है, क्या ये कोई मेले का सामान थोड़ी है? अगर नहीं चली मुझे गाड़ी तो उल्टू ले दूसरी दे दे। नहीं, अब नहीं होगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ